एयर इंडिया ने 2216 वैकेंसीज निकाली। फ्लाइट से सामान उतारने, बैगेज बेल्ट और रैम ट्रैक्टर चलाने वाले लोडर की नौकरी के लिए 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। कुछ दिनों पहले गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। एक केमिकल कंपनी ने मात्र 10 भर्तियों का ज्ञापन दिया था, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। दरवाजे से अंदर जाने में धक्का मुक्की इतनी थी कि सीढ़ी के बगल में लगी स्टील की रेलिंग टूट गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ी और देश के रोजगार संकट पर चिंता जाहिर की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से देश की चिरकालिक चिंता फिर से हरी हो गई। देश की इकॉनमी पॉइंट्स टेबल में पायदान दर पायदान ऊपर जा रही है, मगर बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आए दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं, कभी विपक्षी मुद्दा उठाता है, कभी छात्र खुद सड़कों पर उतरते हैं। इसलिए आज समझेंगे देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। पहला सवाल, बेरोजगार किसे कहा जाएगा? उन वर्कर्स को जो काम करने में सक्षम है और इच्छुक है, मगर उनके पास काम नहीं है। सक्षम है या नहीं, इसकी पैमाइश ऐसे होती है कि अमुक काम के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है या नहीं। मसलन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, डिग्री है तो सक्षम है, सक्षम होने के बावजूद काम नहीं है माने बेरोजगार हैं। किसी राज्य या देश में बेरोजगारी मापने के लिए बेरोजगारी दर होती है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कुल लेबर फोर्स में बेरोजगार कितने हैं इसका माप है, दर ज़्यादा बराबर बेरोजगार ज़्यादा। पहले सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती थी, अब नहीं करती, इसीलिए गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हाल में आई हुई 3-4 रिपोर्ट्स के बकौल देखते हैं, समझते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति आखिर है क्या। फोर्ब्स के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है। ठीक एक महीने पहले मई 2024 में यही दर 7% थी। इस बढ़त से मौजूदा आर्थिक चुनौतियां और लेबर मार्केट की स्थिति का पता चलता है। इसमें भी ग्रामीण बेरोजगारी दर मात्र एक महीने में 6.3% से बढ़कर 9.3% हो गई। वहीं शहरी बेरोजगारी दर 8.6% थी, थोड़ी बढ़कर 8.9% हो गई। जेंडर बेस्ड बेरोजगारी दर में गैर बराबरी साफ झलकती है। जून 2024 में महिला बेरोजगारी 18.5% तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पुरुष बेरोजगारी मामूली बढ़त के साथ 7.8% दर्ज की गई। हालांकि ऐसी स्थिति के बावजूद लेबर मार्केट में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या CMIE आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े पब्लिश करने वाली एक संस्था, इसके अनुसार भारत में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या का 79% माने अगर देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो देश की वर्किंग एज ग्रुप की संख्या करीब 111 करोड़ होगी। जून 2023 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 111 करोड़ की संख्या में 92.2% महिलाएं और 33.6% पुरुष ना कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसके हिसाब से 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच 20 से 24 की आयु वर्ग में 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी दर 14% से ज़्यादा थी। इसी साल के मार्च में संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, नाम इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसके मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। ILO की रिपोर्ट में बताया गया कि बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2000 में देश के कुल बेरोजगार लोगों में 54.2% शिक्षित थे, साल 2022 में संख्या बढ़कर 65.7% हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपने तहत एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया के कुछ नामी अर्थशास्त्रियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात की, उनमें से ज़्यादातर का यही मत था कि मौजूदा चुनाव के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है बेरोजगारी। सबसे तेज गति से बढ़ने के बावजूद अर्थव्यवस्था अपनी बड़ी और बढ़ती युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रही है। CMIE और अन्य संगठनों के अलावा भारत सरकार भी बेरोजगारी और लेबर फोर्स का एक सर्वे करवाती है। भारत सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है। सालाना किए जाने वाले सर्वे के हिसाब से देखें तो दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में 53.5% था, वो 2022-23 में बढ़कर 97.9% हो गया है। इन आंकड़ों में फ़र्क इसलिए है कि डेटा जुटाने के तरीके अलग अलग हैं। सरकार विस्तृत डेटा जारी नहीं करती, क्यों? सरकार ने इस बारे में कभी बताया नहीं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।